कि सैफ अली खान ने पहले अमृता सिंह से शादी करी, उसके जो बच्चे पैदा हुए सब मुस्लिम बच्चे पैदा हुए, उनके मुस्लिम नाम रखे। जिस तैमूर ने देश को लूटा, लड़की को जिंदा जला दिया गया, लड़कियां सूटकेस में मिलती है, 32-32 टुकड़े लड़कियों के कर दिए जाते हैं। धर्म परिवर्तन देश भर में दो प्रकार से होता है, करीना कपूर कर सकती है, अमृता सिंह कर सकती है, किरण राव कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। पर जब 8 अप्रैल 2003 की घटना, शायद गहलोत साहब को पता नहीं, जब गहलोत साहब की सरकार थी, तो स्टोरी उस केरल द केरल स्टोरी उस फिल्म में दिखाई गई है, वो दृश्य आप देखेंगे कि किस प्रकार 3 हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको सीरिया भेजा जाता है, और सीरिया में कितनी यातनाएँ उन लड़कियों को दी जाती है, कि नौजवान लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रेम जाल में फंसाता है, कि जिहाद एक मिशन के रूप में, ये जिहादी जो होते हैं ये मिशन के रूप में काम करते हैं। लड़की से निगाह किया, कुछ समय रखा, उसको प्रेग्नेंट किया, बच्चे पैदा किया और उसको छोड़ दिया। जिहादी आज हमसे क्रिकेट मैच में नहीं जीत पा रहे हैं, बॉर्डर पर नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि PFI एक आतंकवादी संगठन है, उस पर अगर वैन होता है तो कांग्रेस को उस पर आपत्ति होती है। अगर ये बजरंग दल जैसे संगठनों पर वैन लगाते हैं तो कल ये मंदिरों में ताले लगा सकते हैं, गाय सरे। द केरल स्टोरी जो मूवी आ रही है वो अपने कहानी और दावों को लेकर बता रही है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो इस मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मूवी का अभी तक मूवी मैंने भी नहीं देखी, लेकिन मूवी का ट्रेलर देखा, और जो ट्रेलर में दिखाया गया, जो दृश्य दिखाए गए, वो सही में हकीकत है। अगर आज केरल में आप सर्वे करेंगे तो केरल में ऐसी बहुत सी घटना, उसमें 3 बहनों की घटनाएं दिखाई, लेकिन ऐसी हजारों लड़कियों की घटनाएं आपको केरल में मिलेंगी, क्योंकि केरल की स्थिति बहुत बड़ी, बहुत ही भयानक स्थिति होने वाली है आने वाले समय में भी, क्योंकि केरल के छोटे छोटे गाँव में, शहरों में आप इन घटनाओं की जागृति करेंगे, इन घटनाओं के बारे में अगर पूछेंगे तो आपको सच्ची घटनाएं, बहुत सारी सच्ची घटनाएं ऐसी देखने को केरल में मिलेगी। जैसे ट्रेलर में बताया गया है कि कैसे ब्रेन वॉश करता है एक गिरोह और युवतियों को धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा विषय भारत के लिए है। आज केरल में नहीं, संपूर्ण भारत में धर्म परिवर्तन की घटनाएँ बहुत बड़ी तादाद में हो रही है, और जो स्टोरी उस केरल द केरल स्टोरी उस फिल्म में दिखाई गई है, वो दृश्य आप देखेंगे कि किस प्रकार 3 हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको सीरिया भेजा जाता है, और सीरिया में कितनी यातनाएं उन लड़कियों को दी जाती है, उसमें दिखाया गया उन्होंने कि कितनी हजारों लड़कियां उस रेगिस्तान में दफन हो गई है, उनको कितनी यातनाएं दी गई है, उनके साथ क्या क्या ऐसी घटनाएँ हो रही है। और ऐसा नहीं कि हिंदू लड़कियों के साथ रहा है, केरल में ईसाई लड़कियाँ, ईसाई आबादी बहुत अधिक है केरल में, तो केरल की जो ईसाई लड़कियाँ हैं उनके साथ भी ऐसी घटनाएँ हो रही है, हिंदू और ईसाई दोनों समाज की जो हिंदू लड़कियां हैं उन दोनों के साथ ऐसी घटनाएं बड़ी तादाद में हो रही है वहां पर। लेकिन जिस हिसाब से आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से तो इतना केस है नहीं जिस हिसाब से आंकड़े हैं। देखिए, अगर आंकड़ों को इकट्ठा करने हम जाएंगे तो भारत के आंकड़े, शायद जो आंकड़े दिखाए वो बहुत कम पड़ जाएंगे। हमने अगर पिछले 6 महीने की घटनाएँ अगर देश की उठाएंगे तो केरल ही नहीं, हमारी दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में जो घटना हुई, लड़की को जिंदा जला दिया गया, लड़कियां सूटकेस में मिलती है, 32-32 टुकड़े लड़कियों के कर दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें वही घटनाएं हैं। हाँ, इस जो फिल्म में दिखाया गया है कि उनका माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन करा दिया गया है, और आज लड़कियां ही नहीं, वो तो परिवार के परिवार धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, इस मुसलमान बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, हिंदू धर्म में से उनको कन्वर्ट करके उस धर्म में लाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि शायद हमें जो चीज़ दिखती है वो हकीकत लगती है उस चीज़ को। उस फिल्म में भी वही चीज़ें दर्शाई गई है कि आम जनता के सामने ये सब चीज़ें खुलनी चाहिए, आंखें खुलनी चाहिए। आज जिस प्रकार कश्मीर पर जो फिल्म बनी और उसमें दिखाया गया कि कश्मीर के में हिंदुओं के साथ, हिंदू पंडितों के साथ कैसे कैसे अत्याचार हुए, कि शायद आज मुझे इस घटना के बारे में मालूम है कि कश्मीर में ऐसी घटना घटी, केरल में सब ये घटनाएँ घट रही, लेकिन आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली नई पीढ़ी है, अभी जो 12 साल 13 साल का नौजवान बच्चा है, लड़कियां हैं, उनको पता नहीं है कि देश में ऐसी कैसे क्या घटनाएं हुई हैं। उनको जो पढ़ाएंगे वही वो सीख पाएंगे, जो उनको दिखाएंगे वही वो देखेंगे। ऐसी फिल्मों के माध्यम से उनको देश की हकीकत मालूम चलनी चाहिए कि आज देश में क्या चल रहा है। जैसे पहले द कश्मीर फाइल्स आई, अब द केरल स्टोरी आई, तो ये मूवीज़, इस टाइप की मूवीज़ क्या पहले भी आती थी या अभी आने लगी हैं? हरियाणा की जो खेप पंचायत है, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी घटना है हरियाणा की खेप पंचायत में,
उनके बारे में भी कई सारी फिल्में बनी होंगी, बहुत सारी फिल्में हैं, मूवी है, बताया जाता है कि खेप पंचायतों में, राजस्थान में छुआछूत के बारे में बहुत सारे विषयों को लेकर फिल्में बनी है कि किस प्रकार जाति पाति के लिए ऐसी बनी है। तो ये सब हकीकत घटनाएं हैं। आज केरल के बारे में बनी है, कश्मीर के बारे में बनी है, तो वहाँ जो केरल में हो रही है घटनाएं उसी के बारे में बनाई है। ऐसी फिल्में बननी चाहिए और हम सब भारतीयों को, हम सब देशवासियों को ऐसी फिल्मों का सपोर्ट करना चाहिए कि समाज आगे आकर इन फिल्मों को देखे, सच्चाई हमें जाननी चाहिए कि देश में क्या घटनाएं घट रही है, उस सच्चाई के बारे में लोगों को हकीकत हमें बतानी चाहिए कि इन सबसे सावधान रहें। आज हमारी बहन बेटियाँ बाहर पढ़ने जाती, केरल भी जाती है और राज्य में भी पढ़ने जा रही है, शायद हो सकता है कि उनके साथ ऐसी घटनाएँ हो रही हो या ऐसी घटनाओं की शुरुआत उनके साथ होने लगी, तो ऐसी चीज़ों को देखकर शायद वो रुक जाएं, कहीं ना कहीं उन पर स्टॉप लग जाए, उनको भी ध्यान में आ जाए कि शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो ये सब घटनाएं रुक सकती। धर्म परिवर्तन का कारण क्या है, गर्ल्स क्यों धर्म परिवर्तन करती हैं, इसके बारे में आप थोड़ा खुलकर बताएं। देखिए, धर्म परिवर्तन देश भर में दो प्रकार से होता है। सबसे ज़्यादा अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो हिंदू समाज का हो रहा है। आपने आज तक देश में कहीं घटना नहीं सुनी होगी कि किसी मुसलमान ने हिंदू बन गया, कोई एकाध % की घटना होगी, कोई ईसाई हिंदू बन गया। आपने ये बहुत सुना होगा कि हिंदू ईसाई बन गया, हिंदू मुसलमान बन गया, क्योंकि क्या होता है कि आज हिंदू समाज में सब तरह के तबके हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, जो परिवार के परिवार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कुटुंब कबीले कर रहे हैं, समाज कर रहा है बड़ी तादाद में, वो इसीलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पूर्व समय में जब मुगल देश में आए थे तो तलवार के बल पर उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। उन्होंने कहा या तो आप कुरान अपना लीजिए या तलवार अपना लीजिए, तो जो लोग थे डरे थे, सहमे थे, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, एक वो कारण था। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उस कारण में उनको लालच देकर बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन समाज का हो रहा है। एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इस समाज के लोगों को हम देखो धर्म परिवर्तन कराना है, तो उनको टारगेट देने के बाद उनको लालच दिया जाता है, उनको काम धंधे की लालच दिया जाता है, उनकी शादी ब्याह के लालच दिए जाते हैं, उनको अच्छे मकान की, पैसे की व्यवस्था। आज धन की आवश्यकता किसको नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में मुझे धन मिल रहा है, बड़ी अच्छी उसमें धन मिल रहा है, पैसा कहीं से आ रहा है, तो वो व्यक्ति स्वतः उसको लगता है कि चलो ठीक है, ये भी भगवान है, ईश्वर अल्लाह प्रभु सब कहते हैं कि सब एक है, तो एक है तो चलो इसको मान लेता हूँ मैं, उसको ऐसा लगता है। लेकिन वो अपनी संस्कृति, अपना समाज, अपना धर्म सब कुछ छोड़कर उस पद्धति में, हम पूजा पद्धति के कभी विरोध में नहीं रहे, पूजा पद्धति सबकी अलग है और अपनी अपने धर्म की पूजा पद्धति है, आप अपनाइए, अपनी पूजा पद्धति करिए। आज जो लव जिहाद करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं वो परिस्थितियाँ अलग है, वो एक आकर्षित करने वाली शक्ति है कि नौजवान लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रेम जाल में फंसाता है। आप बताइए, लव जिहाद कर रहे हो, आप प्रेम कर रहे हो, लोगों ने कहा हम तो प्रेम कर रहे हैं, प्रेम करके हमसे विवाह कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जीने मरने की कसमें खा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि उस परिस्थिति में लड़की ही क्यों धर्म परिवर्तन करती है, लड़का उस प्रेम में आकर लड़का धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करता है। लड़के को भी धर्म परिवर्तन करना चाहिए, प्रेम करता है, आप अगर प्रेम कर रहे हो तो उस लड़की से पूजा पद्धति क्यों बदला रहे हो, आपका रहन सहन उसके साथ क्यों कर रहे हो, उसका पहनावा क्यों बदल रहे हो, क्या जो वो पहन रही है उसमें वो ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो फिर आपको उसके पहनावे में से तो प्रेम हुआ, जो पहन रही है उसी से प्रेम हुआ, आपके उसकी पूजा पद्धति से प्रेम हुआ, उसके रहन सहन से प्रेम हुआ, तो जब विवाह होने के बाद आपने उसको सब कुछ ही बदला दिया, आपने उससे निकाह किया, निकाह करने के बाद उसकी वस्त्र बदला दिए, आपका उसका पहनावा बदलने लग गया, आपने उसको बुर्का पहनाना चालू कर दिया, आपने उसको कहा नमाज पढ़ना प्रारंभ कर दो, क्यों भाई, ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। देश की, केंद्र की सरकार और सभी राज्यों की सरकार को धर्म परिवर्तन पर कानून बनाना चाहिए और सख्त कानून बना देना चाहिए। जब तक अगर सख्त कानून नहीं बनेगा ये धर्म परिवर्तन नहीं रुकेगा। आज भी हजारों की संख्या में भारत की गलियों में धर्म परिवर्तन हो रहा है, उन सब धर्म परिवर्तन करने वालों को भारत की सरकार को रोकना है, तो सख्त कानून हमें लाना पड़ेगा। जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, जैसे गर्ल्स जो धर्म परिवर्तन करती हैं लव जिहाद में, जैसे आप बता रहे हैं फंसती हैं, तो ये क्या जैसे फैमिली के साथ जो गर्ल्स रहती हैं वही फंसती हैं, या फिर बाद में जैसे कि बाहर अलग राज्य में पढ़ने जाती हैं, अलग कहीं जाती हैं, तो वो ज़्यादा फंसती हैं ऐसे में? देखिए, आप ये देखेंगे कि अगर किसी भी स्टोरी को, किसी भी जहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, आप उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में जाएंगे तो शायद उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा उस लड़की के परिवार को। अभी देखिए, टारगेट करके एक मिशन है, इसका जिहाद नाम इसीलिए दिया गया है कि जिहाद एक मिशन के रूप में, ये जिहादी जो होते हैं ये मिशन के रूप में काम करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है शादी करना है। विवाह करने के बाद आपने कितनी सारी घटनाएं, आपको हजारों घटनाएं मिल जाएंगी कि लड़की से निकाह किया, कुछ समय रखा, उसको प्रेग्नेंट किया, बच्चे पैदा किया और उसको छोड़ दिया,
आज एक बहुत बड़ी तादाद में नाती है। आप देखिए, आपको कहीं और नहीं जाऊंगा, बॉलीवुड की और तरफ ध्यान हुआ कि सैफ अली खान ने पहले अमृता सिंह से शादी करी, उसके जो बच्चे पैदा हुए सब मुस्लिम बच्चे पैदा हुए, उनके मुस्लिम नाम रखे। जिस तैमूर ने देश को लूटा, आज सैफ अली खान उसके अपने बच्चे का नाम तैमूर रख रहा है, लोगों को आदर्श बना रहा है कि मेरे बच्चे का नाम तैमूर है, आप तैमूर रखिए। तैमूर जैसे व्यक्ति ने आप उसकी हकीकत सुनेंगे तैमूर की, जिस देश को लूटा है, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी है उसने, मंदिरों को तोड़ा है तैमूर ने, तो ऐसे व्यक्ति का नाम अपने बच्चों का आप नाम रख रहे हो। आज आपने करीना कपूर का धर्म परिवर्तन कराकर उसको अपने धर्म में ला रहे हो, ये सब वहीं से आइडियल, एक आइडियल लोगों को बता रहे हैं कि लोगों को, लड़कियों को लगता है कि जब करीना कपूर कर सकती है, अमृता सिंह कर सकती है, किरण राव कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आज उनके साथ और इनके साथ परिस्थितियां दोनों है। आज करीना कपूर अपनी यथास्थिति में है, लेकिन आज अगर दिल्ली की, जयपुर की रहने वाली कहीं भी एक लड़की, आम लड़की अगर इसको करती है, तो शायद 6 महीने बाद उसकी बॉडी किसी सूटकेस में मिलेंगी या किसी फ्रिज में 32 टुकड़े के रूप में उसकी शरीर के टुकड़े मिलेंगे। आप हमें बताएं, ये जो लव जिहाद है, ये भारत में कब से स्टार्ट हुआ? देखिए, लव जिहाद की शुरुआत आज हम जो द केरल स्टोरी देख रहे हैं या और घटनाएं देख रहे हैं, अभी प्रारंभ नहीं हुआ, वर्षों से लव जिहाद हो रहा है। तो ये लव जिहाद पर कई सारे राज्यों में, इन पर अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी इस पर कानून बनाया है, ऐसे लोगों का रोक की है। तो आज योगी जी ने शुरुआत की है, उत्तर प्रदेश में शुरुआत थी, तो पूरे देश में ऐसे विषयों को लेकर कानून बनना चाहिए, रुकने चाहिए ये सब घटनाएँ। ठीक है, प्रेम में किसी को एतराज़ नहीं है कि प्रेम सब कर सकते हैं। भगवान राम ने भी प्रेम किया, भगवान कृष्ण ने प्रेम किया, शंकर पार्वती ने प्रेम किया, सब प्रेम कर सकते हैं, ईश्वर ने भी प्रेम किया, हम भी प्रेम करते हैं, सब लोग, प्रेम से किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन प्रेम की आड़ में परिवार को नष्ट करना, उसके धर्म को नष्ट करना, जिस लड़की से आप प्रेम कर रहे हो शायद आज उसे लेकर जाते हो, और आपने देखा ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे सामने आई है कि जिससे हमने विवाह किया, उस विवाह करने के बाद उस महिला के साथ उसका पिता, उसका भाई, उसके परिवार में रहने वाले सारे लोग शारीरिक शोषण करते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं देश में आती है। तो आपने तो प्रेम किया भैया, फिर ये क्या, ये कैसा प्रेम है आपका कि पूरा परिवार उस लड़की के साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए, हम सबको मिलकर लफ्ज़ जिहाद के लिए जागृत होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, हमारी बहन बेटियों को हमारी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, हमारे परिवार के बारे में बताना चाहिए, हमारे धर्म के बारे में बताना चाहिए कि हमारा धर्म क्या कहता है, ये सब कुछ बताना चाहिए। और राज्य सरकारों को, केंद्र की सरकारों को लफ्ज़ जिहाद पर कानून बनाकर इस पर रोक लगानी चाहिए। जो केरला स्टोरी जो मूवी आ रही है अभी, जो कल रिलीज़ हो गई, तो क्या ये धीरे धीरे, ये चुनाव को लेकर, चुनाव के समय आई है ये मूवी, तो क्या इसको हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए इस मूवी को लाया गया है? जैसे कल जनसभा में मोदी जी ने भी कहा कि एक पूरा, ये पूरा बंदूक बारूद ये सब नहीं चलाकर अब ये जो समाज को खोखला करने के लिए काम कर रही है IS, IAS, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, जिहादी आज हमसे क्रिकेट मैच में नहीं जीत पा रहे हैं, बॉर्डर पर नहीं जीत पा रहे हैं, तो उनकी योजना, एक बहुत बड़ी योजना लेकर ये काम कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता के लोग वो देश में खड़े कर रहे हैं जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, और ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है या चुनावी विषय भी नहीं है, क्योंकि चुनाव तो शायद पूरे वर्ष भर हमारे यहाँ आते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस राज्य में चुनाव नहीं, कभी नगर पालिका के, कभी नगर निगम के, कभी विधानसभा के, कभी लोकसभा के चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन ये सब जनजागरण के मुद्दे हैं, और आज देश में आप देख रहे हो कि देश का वातावरण बदल रहा है। आप ही देखिए कि अभी कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, और कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिया है कि बजरंग दल पर वैन करना चाहिए, PFI पे वैन नहीं हो। PFI पे अगर केंद्र सरकार ने वैन किया तो उनको एतराज़ था, क्योंकि PFI एक आतंकवादी संगठन है, उस पर अगर वैन होता है तो कांग्रेस को उस पर आपत्ति होती है। और बजरंग दल जैसे हिंदुत्ववादी संगठन जो हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, गोरक्षा के लिए काम करते हैं, सेवा और संस्कार के लिए काम करते हैं, ऐसे संगठनों पर वैन करने के लिए तत्पर खड़े हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि जो सरकार कांग्रेस की कर्नाटक में बन रही थी, वो सरकार जाने वाली है, बजरंगबली घोटा घुमा दिया है, और पूरे कर्नाटक में बजरंगबली का घोटा घूम रहा है। आप ये देखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कर्नाटक में जो गली गली में बजरंगबली की जैने लगा रहा। और मैं 10 तारीख को जब चुनाव होंगे, 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो आप देखोगे कि देश की हनुमत शक्ति जगी, कर्नाटक की हनुमत शक्ति जगी, और उस हनुमत शक्ति ने क्या कमाल दिखाया, ऐसे लोगों को वापस घर को लौट गया है। क्योंकि कांग्रेस को शायद सद्बुद्धि नहीं आ रही है। जब राम सेतु का विषय चला था
तो देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जहाज रानी जो मंत्री थे उन्होंने और सोनिया गांधी जी ने एक हलफनामा कोर्ट में पेश किया कि भगवान राम काल्पनिक थे और राम काल्पनिक थे तो ये राम सेतु भी काल्पनिक है, ये कोई राम सेतु भगवान राम के द्वारा निर्माण किया है। यहाँ आपने देखिया कि आज देश में स्थिति कांग्रेस की क्या हो रही है। आप अगर भगवान को गाली दोगे तो शायद पलटकर वापस आपको मिलने वाली है और उसका परिणाम भुगतने वाले हो। आज आपने बजरंग बली को बैन करने की बात करी है, आपने बजरंग दल के नौजवानों को जो बजरंग बली की आराधना करते हैं उनकी की शक्ति की प्रसारित करते हैं, बजरंग बली का के लिए प्रचारण करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जगह जगह वायुमंडल ठीक करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध की बात करी है तो हो सकता है कि आने वाले समय में संपूर्ण भारत में कांग्रेस की सरकार वैन हो, कांग्रेस की सरकार बिल्कुल गायब हो जाए। क्योंकि शायद आपने देखा होगा 2003 में जब राजस्थान में गहलोत की सरकार थी, गहलोत साहब ने भी कर्नाटक में जाके कहा कि बजरंग दल पर वैन होना चाहिए, पर जब 8 अप्रैल 2003 की घटना शायद गहलोत साहब को पता नहीं, जब गहलोत साहब की सरकार थी इन्होंने बजरंग दल के त्रिशूल पर वैन लगाया, पूरे देश भर में पूरे राजस्थान की हर गलियों में त्रिशूल दीक्षा हुई इसके बाद, और जब सीट आई जब चुनाव हुआ तो 21 सीटों में समट कर रह गई कांग्रेस और गहलोत साहब। इसलिए वापस परिणाम होने वाला है, देश की हनुमत शक्ति जगने वाली है और 13 तारीख को कर्नाटक में हनुमान जी का झंडा लहराने वाला है। तो जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जो बजरंग दल को बैन करने की बात कही तो उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? बहुत बड़ी तादाद में, आप देखिए मीडिया बहुत बड़ी सर्वे दिखा रही है, आपने मीडिया का 7 दिन पहले का सर्वे देखा होगा कि सरकार बन रही थी कांग्रेस की, बीजेपी बहुत बैक में चली गई थी। आज स्थिति देख रहे हैं कि लोगों को लग रहा है कि आज अगर ये बजरंग दल जैसे संगठनों पर वैन लगाते हैं तो कल ये मंदिरों में ताले लगा सकते हैं, गायें सरेआम कटने वाली हैं कांग्रेस की सरकार में। आज गोमाता की रक्षा के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, गोमाता का बचाव कर रहे हैं। आज जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो गली गली में सड़कों पर गाय माता कटेगी और मंदिरों में ताले लग जाएंगे, हिंदुओं का झंडा लेकर केसरी झंडा लेकर चलने वालों पर ये वैन लगा देंगे। तो ऐसी सब घटनाएं कर्नाटक में होने वाली है, शायद वहाँ के लोगों को इन सब के बारे में हकीकत में मालूम चल गया, इसलिए कर्नाटक के लोग जग गए हैं और 13 तारीख को परिणाम आएगा, आपको देखेंगे कि कर्नाटक में फिर से विजयश्री की शुरुआत होगी और केसरिया ध्वज लहराएगा, बजरंगबली की जय बोलेगी।